फाइनली हमारे पास गिफ्ट आ गया। मैंने इतना जल्दी इसको फाड़ फाड़ के खोला है, इतना मैं एक्साइटेड था। ये किसी खास वाले इंसान की तरफ से मुझे गिफ्ट आया है, एंड हमेशा आता है, हर एक साल आता है। और जैसे कि आज तो वैसे काफ़ी दिन हो गया है, मेरे बर्थडे 14 जून को होता है। गिफ्ट ये वाली लेट में आई है, लेकिन पहले हमेशा वक्त पे आती थी, अभी पता नहीं मुझे क्यों लेट हुआ है, लेकिन फाइनली आई हमारे पास। और यकीन जाने दोस्त, हम पैसे से बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, लेकिन ये अनमोल है। क्या है मैं दिखाऊंगा, आइए थोड़ा कैमरा में कहूँगा, कैमरा एकदम इस पर फोकस कर दें एंड लुक एट दिस। सबसे पहले तो आप देखें इसकी बाहर का हिस्सा कितना अच्छा है, एंड ये हमने खोला हुआ है, इस वजह से ये सारी चीज़ें गिरी। एक चीज़ मुझे बहुत यूनिक लगी यहाँ की, ये देखें इस तरीके से यहाँ पे लाइटिंग है, रात के टाइम पे आप देखेंगे ना तो ये बहुत अच्छी लगेगी। और अब फोकस पे है ना, तो ये कितनी अच्छी लग रही है। हम जल्दी से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर क्या चीज़ है। ये देखिए कार्ड है इस तरीके से, और यहाँ पे इस तरीके से हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है। इट्स लवली यार। और जो बहुत एक ख़ास वाली चीज़ है, ये इस तरीके का है, जहाँ पे ये सारी चीज़ें देखें यहाँ पे लिखी हुई हैं, एंड फिर यहाँ पर लिखे यू आर वर्थ इट। एंड ये तस्वीर मतलब आप देखें, जिसमें आपको हर एक तस्वीर डिफरेंट नज़र आएगी, हर एक पैम्पलेट पर आपको। और मैं इतना एक्साइटेड हूँ, देखें यहाँ कितनी अच्छी वाली तस्वीर और कितनी बेस्ट वाली है। और लुक एट दिस यार, लुक एट दिस, कितनी बड़ी वाली बात है कि कोई इंसान आपकी इस तरीके से फ़ोटो को यहाँ पर लगाना, मतलब आपको कितना वो इंसान लाइक करता होगा, पसंद करता होगा कि उसके पास वो वक्त निकाल कर इस तरीके की हरकत करे, ये बहुत बड़ी बात होती है। लुक एट दिस वाली तस्वीर, एंड ये कितनी प्यारी, ये देखिए ये कितनी अच्छी चीज़ है कि इसको हम खोल के देखेंगे। अरे यार ये सच में बहुत अच्छा है, एंड देखें ये हम खोल रहे हैं और फिर हमें तस्वीर अपनी नज़र आएगी, क्या बात है यार। और यहाँ पर देखें किसने भेजा है, दीक्षा ने मुझे ये गिफ्ट भेजा है। सो दीक्षा यहाँ पे मेंशन है, दीक्षा थैंक यू सो मच, लव यू फॉर द वंडरफुल। एंड ये वाली तस्वीर भी आप देख सकते हैं। सो ये हो गया, एक कितना प्यारा फ्रेम के साथ, छोटा मोटा सा क्यूटी सा ये है, एंड लुक एट दिस यार, कितना प्यारा लग रहा है, सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा है। एक एनवलप और है यहाँ पर, जिसके अंदर मैं आपको जल्दी से दिखाने की कोशिश करूँगा। और देखें यहाँ पर भी तस्वीर हैं, छोटी छोटी तस्वीरें हैं, छोटी छोटी तस्वीरें हैं, और इसके अंदर भी कुछ ख़ास वाली चीज़ होगी ज़रूर, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है। देखें ये वाली तस्वीर है, कितनी मस्त फ़ोटोज़ आई हुई हैं, और इनको जो मेरे वन ऑफ द फेवरेट पिक्चर्स हैं उनको कट करके यहाँ पर लगाया गया है। एंड लुक एट दिस यार, ये कितना अच्छा है। और इसमें भी कुछ ना कुछ खास ही होगा, और हर फोटो अगर आप देखेंगे तो हर एक फ़ोटो डिफरेंट है, कोई एक सेम फ़ोटो को यूज़ नहीं किया गया। ये देखें आप, रॉयल कैफ़े का है, एंड ये पता नहीं कहाँ का, मुझे याद नहीं है। और ये एक हो गया, और अच्छा ये क्या चीज़ है, ये देखते, अरे यार लुक एट दिस, सबसे ख़तरनाक कुछ है तो ये है। एक तस्वीर यहाँ पर है, और ये देखें, अरे यार ओ माई गॉड, लुक एट दिस यार, लुक एट दिस, ओ माई गॉड, ये कितनी बड़ी चीज़ है यार, लुक एट दिस यार। और दीक्षा, माय गॉड दीक्षा, हैव नो वर्ड्स फॉर दिस, दीक्षा थैंक यू सो मच, क्या है यार दीक्षा, कोई ऐसे कैसे कर सकता है किसी के लिए, माय गॉड। तो ये कंप्लीट हो गया, ये पूरा बॉक्स कंप्लीट है। और इसके अंदर फिर आपको कुछ मुंह मीठा कराने के लिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, किटकैट हैं और डेयरी मिल्क चॉकलेट है, एंड ये भी है हमारे पास, तो ये देख सकते हैं। एक और चीज़ हमारे पास जो छूट गई है, आए हाय क्या मेरी प्यारी वाली तस्वीर है यहाँ पर। एंड ये फाइनली बॉक्स हमारा एम्प्टी हुआ, लेकिन यार एम्प्टी नहीं है, ज़िंदगी का प्यार भर गया इसमें, मोहब्बत भर गई है दीक्षा से। एंड दीक्षा आई लव यू फॉर दिस, थैंक यू सो मच दीक्षा। एंड दीक्षा मैं दिल से आपको इसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो मेरे जन्मदिन को इतना ख़ास आपने बनाया। लव फ्रॉम माई हार्ट, दिल से लव यू। और 2023 का जो बर्थडे होगा उसमें मुझे कुछ ना कुछ ख़ास चाहिए, ऐसी ही चीज़, और मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार आपको, लव यू।